ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 22। हरे कृष्णा राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 21 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन किया था और रक्षा बंधन का विधान भी बताया था। अब आज इस अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत का विधान जानेंगे। शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे मुनिशेष, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला सर्व काम फलप्रद संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। श्री सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? इसके विषय में मुझे सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दातुन आदि कर पुण्य दाता शुभ संकट हरण व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते हुए बोले, हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकटों को आप दूर कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करें, तब समस्त कर्म पूरे कर गणों का पूजन करें। व्रती को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार डेढ़ मासे या तीन मासे या अधिक की स्वर्ण प्रतिमा बनवाए। स्वर्ण उपलब्ध ना होने पर चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा बनवा कर पूजन किया जा सकता है। अति गरीब होने पर मृतिका यानी मिट्टी की मूर्ति बनवाकर पूजन करें। समृद्ध एवं धनी प्राणी को कृपाणता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टपत्र कमल पर वस्त्र सहित जलपूरित घड़ा रखवाना चाहिए। तब उस पर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर 16 उपचारों द्वारा तांत्रिक या वैदिक मंत्रों की सहायता से अर्चना करनी चाहिए। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनवाएं। उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस ब्राह्मण की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विजेश, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रवहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे शीर सागर से प्रद्युत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं, अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते हैं, धन चाहने वाले धन पाते हैं, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले पुत्र प्राप्त करते हैं, मोक्ष चाहने वाले उत्तम गति प्राप्त करते हैं, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सहृदय जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। हे सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जाप के मंत्रों को आपसे कहता हूं। प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में हिरम्भ, मदमोदित तथा संकटत से निवारण, इन शब्दों का चतुरात जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो हिरम्भराय मदमोदिताय संकटत से निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गिरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर
इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। अब इन नामों को मुझसे सुनिए, हे गणाधिपति, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे एक दंत, हे दंत वक्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व कष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्य गमल संभव, हे धूर्म केतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरा सिंदूर मर्दन, हे विद्या निधान, हे विकट, हे शुभकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नर्म होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से कर रही हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम हवन करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का बायना प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का बायना फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करती हूँ। तदंतर हे सप्तम, पुण्य दायिनी कथा सुनकर 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्ध प्रदान करें और कहें, शीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्ध को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा याचना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया है उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नरिकेल फल से अर्ध प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह बायना भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नेश, इससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सनत कुमार, पूर्व काल में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्रपान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वहां कहां गया और उसे कौन ले गया ये सोचकर प्रद्युमन व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युमन को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत वर्ष पहले तुम्हारा जन्म होने पर जब मैं प्रसूति गृह में थी तब तुमको राक्षस उठाकर ले गया था। उस पर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं रोती कलपती रही। मैं तुम्हें देखने को व्याकुल थी। पुत्र विचो मुझसे सह नहीं हो रहा था। दूसरी औरतों को अपने पुत्र के साथ देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। उनके पुत्रों को देखकर मैं अपना पुत्र समझने लगती थी। इस प्रकार तुम्हारे वियोग में कई साल गुजर गए। तब प्रभु इच्छा से हमारे यहाँ महर्षि लोम का आगमन हुआ। उन्होंने मेरी दुखी दशा से द्रवित हो संकट चतुर्थी का व्रत विधि व नियमानुसार संपन्न किया। उसके पुण्य स्वरूप तुमने लौट कर शांबर को मौत के घाट उतार दिया। हे पुत्र, अब अगर तुम भी यह व्रत धारण करोगे तो तुम्हारा भी पुत्र लौट के घर आएगा।
माता की वाणी के अनुरूप प्रद्युम्न ने भी गणपति को हर्षित करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक और नियमानुसार किया। तब महर्षि नारद ने स्वयं आकर कहा, हे नरेश, आपका पुत्र अनिरुद्ध वाणासुरपुरी में है। तब नरेश प्रद्युम्न ने उस नगरी पर आक्रमण किया और अग्नि को जीतने के पश्चात अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्र वधु को भी जीत लिया। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीरथ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शट को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को ही इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रेश, हे धर्मनिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोक उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय समाप्त। एक 22वें अध्याय के सुनने से कार्य बाधा का निवारण होता है और सुख की उपलब्धि होती है। अंत में एक बात फिर कहूंगी, अभी भी समय है, कलयुग में जीवन को व्यर्थ मत करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जीवन का सदुपयोग करो, जोर से जयकारा लगाओ और बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की।